दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एमपी के कुख्यात गैंगस्टर ओमकार रजक को गिरफ्तार किया है, जो हत्या से लेकर अवैध हथियार तस्करी रैकेट तक कई जघन्य अपराध मामलों में वांछित था। एमपी का गैंगस्टर ओमकार रजक उम्र 22 वर्ष एमपी के रीवा का रहने वाला है। ओमकार 2020 से फरार था और दिल्ली एनसीआर के अपराधियों को अवैध हथियारों की आपूर्ति में संलिप्त था। गिरफ्तारी के समय स्पेशल सेल ने दिल्ली और एनसीआर के अपराधियों को आपूर्ति करने के लिए 10 अवैध पिस्तौलें बरामद की। शस्त्र तस्करी रैकेट पर काम करते हुए स्पेशल सेल को एक गैंगस्टर ओमकार रजक के बारे में जानकारी मिली, जो अपने सहयोगी के साथ दिल्ली और एनसीआर के अपराधियों को अवैध हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। टीम ने पाया कि बंदूक चलाने वाले रीवा एमपी के खूंखार अपराधी हैं और क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मार्च 2020 में रीवा में किए गए अभिषेक पांडे की सनसनीखेज हत्या सहित कई मामलों में फरार हैं। डीसीपी जसमीत सिंह ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि आरोपी व्यक्ति मुंबई में छिपे हुए हैं और कई राज्यों में अवैध हथियारों की तस्करी का नेटवर्क चला रहे हैं और वे अन्य राज्यों के अलावा दिल्ली और एनसीआर के अपराधियों को अवैध हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। 2 महीने तक ओमकार पर नजर रखने के बाद पुलिस को सूचना मिली कि वह दिल्ली के अपराधियों को अवैध हथियारों की खेप पहुंचाने के लिए दिल्ली आ रहा है और जाल में फंस गया। स्पेशल सेल ने सराय काले खांग बस डिपो के पास जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। ओमकार रजक मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले हैं। उनके पिता एक सरकारी बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं। 12वीं पास करने के बाद उन्होंने ठाकुर रणवत सिंह कॉलेज रीवा एमपी के साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला लिया। वह क्षेत्र के बुरे तत्वों के संपर्क में आया और उसने अपना समूह बनाया और अन्य समूहों के साथ क्षेत्रों में वर्चस्व के लिए लड़ना शुरू कर दिया। इसी लगातार खींचतान के चलते उसके और उसके गुट के सदस्यों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। मार्च 2020 में उसने और उसके सहयोगियों ने अपने प्रतिद्वंदी समूह के सदस्य अभिषेक पांडे की हत्या कर दी। वे रीवा से फरार हो गए और मुंबई में शरण ली और बुरहानपुर से रुपयों की दर से पिस्तौल इकट्ठा करते थे। 12,000 रुपए की दर से आपूर्ति करते थे। 25,000 दिल्ली और एनसीआर सहित विभिन्न राज्यों के अपराधियों को देते थे। चूंकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका और गिरफ्तारी से बचते रहे, एमपी पुलिस ने भी उनकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया है।